हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव एंड पीस। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हैदराबादी चिकन बिरयानी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मुझे चिकन बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है और मेरी अम्मी के हाथ का और भी ज्यादा। तो फ्रेंड्स, आज मेरी अम्मी चिकन बिरयानी बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे जो भी न्यू वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया है यहाँ पे 1.5 kg चिकन, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें पहले से 1 lemon ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही, लगभग 200 ग्राम। अब हम ऐड करेंगे 1/2 teaspoon फूड कलर। और 1/2 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon काली मिर्च पाउडर, 2 teaspoon जीरा पाउडर, 2 teaspoon धनिया पाउडर, 2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 2 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक, लगभग 2 teaspoon। तो अब हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अम्मी यहाँ पे देख सकते हैं मिक्स कर रही हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है। तो अब हम लोग इसे ढक के 1/2 hour के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम लोग चावल भी लेंगे सेम 1.5 kg और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे पहले। तो ये हम लोग वॉश कर लिया है। अब इसमें पानी ऐड करके इसे भी 1/2 hour के लिए ऐसे ही रहने देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिए हैं कुकर, इसमें 4 tablespoon के करीब ऑयल ऐड किया है। इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। तो गरम हो जाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 तेज पत्ता है और थोड़े से गरम मसाला है। इसे हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल में। तो हम लोग यहाँ पे 8 pieces के करीब प्याज ऐड किए हैं लो, और इसे ऐड करके अच्छे से मिक्स करके इसे पकाएंगे लो तब तक जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। तो ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुका है हमारा प्याज। तो अब हम लोग इसमें 4 बड़े जो है टमाटर इस तरीके से कट करके डाल देंगे लो, और 10-15 हरी मिर्च है उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करके। अब हम इसमें थोड़ा सा और नमक ऐड करेंगे लो, लगभग 2 teaspoon, और थोड़ा से पानी हम लोग इसमें ऐड करके इसे मिक्स कर देंगे लो। तो ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। तो अब हम लोग इसे ढक बंद करके कुकर को और अच्छे से गलाएंगे लो प्याज को। ये हमारा जो प्याज है वो पूरा गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, तो इसे अच्छे से ऐड करके इसे भी मिक्स करेंगे। तो मिक्स हो जाने पर हम इसे 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे। अब हम 3 teaspoon बिरयानी मसाला इसमें ऐड करके मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम फिर से 10 मिनट तक इसे पकाएंगे।
ये देखिए हमारा चिकन बन चुका है और ये चावल जो है हम जो रेगुलर बनाते हैं लोग अपने घर में, तो उससे थोड़ा सा टाइट बनाना है। और अब हम लोग इसकी लेयर करेंगे, तो एक लेयर पहले चावल का करेंगे, उसके ऊपर ये फूड कलर हम लोग ऐड करेंगे। तो अब हम ऐड करेंगे चिकन, इस तरीके से हमें ऐड करना होगा चिकन। चारों बगल हम इसे ऐड कर देंगे चिकन को, और फिर से हम एक लेयर चावल का ऐड करेंगे। और चावल का ऐड करने के बाद फिर हम लोग जो फूड कलर है वो ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम लोग लेयर बाय लेयर बनाते जाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो है पूरा लेयर बन चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी ने जो है सर्व कर दिया है, और ये देखने में कितना लजीज लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में बना के, और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो इसे आप इस तरीके का सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं या रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।